माँ ना होगी तो वफा कौन करेगा, ममता का हक भी अदा कौन करेगा। रब हर एक माँ को सलामत रखना, वरना हमारे लिए दुआ कौन करेगा। आज मैं आपको समाज में फैली हुई हकीकत की कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसका नाम है बुढ़ापे की मजबूरी। और यह कहानी एक बूढ़ी माँ की है। मेरे पति के देहांत के बाद मैं अपने एक लौते बेटे के यहाँ रहती थी। मेरी बहू का एक अलग ही रूप मुझे देखने को मिला और साथ ही बेटे का भी। दोनों के मन में क्या है मैं अच्छे से जानती थी। वो चाहते थे कि मैं वृद्धा आश्रम चली जाऊँ। मेरे पति के देहांत के बाद मुझे यह सब देखना और सुनना पड़ेगा, इसका मुझे अंदाज़ा भी नहीं था। पर मैं मन मार कर अपने बेटे और बहू की बातें सुनकर भी चुप रहा करती थी, क्योंकि मुझे मेरे पोते और पोती दिखाई देते थे। उनकी झलक पाकर मुझे सुकून मिलता था। मेरी बहू को कोई दिक्कत ना हो, इसलिए मैं घर के बाहर रहती थी। बेटे ने थोड़ी मेहरबानी करके छत के ऊपर टीन की चादर लगवा दी थी। मैं अपना खाना अपने आप बनाकर खा लेती थी। मैंने अपने बेटे को कह दिया था कि मेरी वजह से उन दोनों को कोई तकलीफ नहीं होगी, बस मुझे यही रहने दो, इसी घर में मुझे मर जाने दो, मैं बस यही रहना चाहती हूँ। मेरा बेटा सुबह 9 बजे नौकरी पर जाता था और बच्चे भी उसी समय स्कूल जाते थे। फिर शाम को 6 बजे मेरा बेटा वापस आता था और बच्चे 3 बजे आते थे। उन्हें आते जाते निकलते देख मुझे बड़ा सुकून मिलता था। मेरे पति के एक दोस्त थे, उनकी पत्नी का भी स्वर्गवास हो गया था। उस समय पर वो हमारे घर पर आया करते थे, उनसे हमारे अच्छे रिश्ते थे। उनका घर हमारे घर से कुछ ही दूरी पर था। उनके पैरों में कुछ समस्या हो गई थी, इसीलिए वह ठीक से चल भी नहीं पाते थे। वो बड़े दिनों बाद मेरे यहाँ आए थे, मुझे उन्हें देखकर अच्छा लगा। उनका हाल भी मेरी तरह ही था, बच्चे अब उनसे भी परेशान थे। वो आकर मेरे पास बहुत रोते थे और उन दिनों को याद करते थे। बुढ़ापा हम जैसों को बहुत रुलाता है। उनकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया था और उन्हें चलने उठने में समस्या थी, इसलिए वो तो अपना खाना भी नहीं बना पाते थे। मेरे पास आए तो मैं समझ गई कि यह इतनी मुसीबत में चलकर पुराने दोस्तों के यहाँ चाय और खाने की चाह में ही जाते होंगे। उनकी भी अपनी मजबूरी थी। वो आए तो मैंने उनके लिए खाना बनाया और उन्हें खिलाया। वो तो मना कर रहे थे कि मुझे नहीं खाना, लेकिन मुझे पता था कि उनको भूख लगी थी। मेरी बहू ने मुझे और उन्हें खाना खाते देख लिया था, वो कुछ भी ना बोली। ऐसे ही वो यहाँ 2-3 बार आए थे। जब भी वो आते मैं उन्हें खाना खिलाती थी। फिर उनके जाने के बाद जब मेरा बेटा घर आता तो बहू कहती थी कि तुम्हारी माँ कितनी बेशर्म है, पता नहीं किस किस को आजकल घर पर बुलाकर खाना खिलाती है। और बेटे से कहती थी कि बड़ी मुश्किल से पैसा कमाया जाता है और यह लुटाने में लगी है, इनका राशन बंद करो, कुछ दिन भूखी रहेगी तो अक्ल ठिकाने आएगी। मैंने कहा कि मैं अपने हिस्से का उन्हें खिलाती हूँ, तुम्हारे पिता के पुराने मित्र हैं। फिर भी बहू का उल्टा सीधा बोलना शुरू रहता था। बेटा भी बोला कि कुछ दिन भूखा ही रहने दो इन्हें। मुझे मेरे बेटे ने घर के पीछे सीढ़ी के पास ले जाकर बिठा दिया और बोला कि अब यहीं पर बैठो। मेरे तो अब आंसू भी सूख गए थे। अगले दिन मुझे खाना नहीं मिला। मेरे टीन के उस छोटे से कमरे को बहू ने तोड़ दिया था। एक दिन पूरा भूखा रहने के बाद मैंने सोचा कि मैं गलत कर रही हूँ, मुझे अब अपने बेटे के यहाँ नहीं रहना चाहिए, और शायद गलती भी मेरी ही थी। मेरी ही परवरिश में कोई कमी रही होगी, तभी तो यह परिणाम आया है। अगली सुबह मैंने अपने बेटे को कहा कि मुझे वृद्धा आश्रम छोड़ाओ, अब मैं तुम दोनों को ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहती। बहू ने कहा कि देखा, एक दिन भूखी रही तो अकल ठिकाने आ गई ना। बेटे के चेहरे पर भी अजीब सी खुशी थी, जल्दी से तैयार हो गया था मुझे वृद्धा आश्रम छोड़ने के लिए। बहू बेटे से कह रही थी कि आज की छुट्टी ले लो, यहीं आसपास मत छोड़कर आना, कहीं 3 दिन में वापस आ जाए। मैंने अपनी बहू से कहा कि बेटी चिंता मत करो, मैं अब कभी वापस नहीं आऊँगी। मैंने अपने पोता पोती को गले लगाया, मुझे पता था कि अब मिलना नहीं हो पाएगा। बेटे को भी चाहती थी कि एक बार जी भर के गले लगा लूँ, लेकिन वो बोला चलो जल्दी करो। मैंने बहू को कहा कि बेटी अपना ध्यान रखना। मेरा बेटा
मुझे वृद्ध आश्रम छोड़ आया। वहां आकर मैंने देखा कि मेरी तरह कई लोग हैं, थोड़े दिन उदास रहते हैं, फिर सच को स्वीकार कर लेते हैं। मैं अब वहां पर खुश थी। मैं चाहती हूं कि ऐसा किसी के साथ ना हो, लेकिन ऐसा कब किसके साथ हो जाए कोई बता नहीं सकता। लेकिन माँ बाप को ऐसे समय के लिए भी तैयार रहना चाहिए। बस बच्चों को पाल पोस कर बड़ा कर देना चाहिए, उनसे कोई भी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। दोस्तों, माँ बाप पैसे और खाने के भूखे नहीं होते, उन्हें बस अपनी औलाद से स्नेह और प्रेम चाहिए होता है, जो कि आज के ज़माने में कोई भी इस बात को नहीं समझता है।